पंडित जी ने मेरे को मतलब प्रसाद के तौर पे दिया है आफ्टर पूजा होने के बाद। तो हम गुड मॉर्निंग, सामने देखिए पीक्स कैसे दिखाई दे रही है। सनराइज हो चुका है, कल रात हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, लेकिन एट लास्ट मौसुबे मौसम हमको मिला खुला। तो फिलहाल अभी हमारा प्लान है मॉर्निंग में इस वाली पीक हमको जाना है ऊपर। यहाँ है बूढ़ा मधुमेश्वर मंदिर की पूजा जो होगी वो 8 बजे से स्टार्ट होगी, तो वहाँ हम 8 बजे जाएंगे नहा के बाद। पहले सुबह सुबह अभी 6 बजे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं इधर। तो सामने है द्वितीय केदार मधुमेश्वर जी का मंदिर, तो वहाँ हम लोग आएंगे बाद में, क्योंकि 8 बजे के बाद पूजा होती है सुबह, आज से लेकर 11 बजे तक होती है पूजा, फिर उसके बाद कपाट बंद हो जाते हैं, फिर शाम को 7 बजे आरती होती है। तो दो टाइम आप दर्शन कर सकते हैं। हमने कल शाम किया एक बार दर्शन, जो आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, और एक बार हम सुबह करेंगे दर्शन। तो खूबसूरत है मंदिर, लेकिन इसी मंदिर के ऊपर है बूढ़ा मधुमेश्वर, जहाँ से दिखता है हिमालय का नज़ारा बहुत खूबसूरत। अभी मौसम ज़रा साफ़ है, तो हमको जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचना पड़ेगा। करीब 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस होगी उसकी। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, मंदिर के पीछे से रास्ता आता है, तो वही रास्ता पकड़ के हम लोग जा रहे हैं फिलहाल बूढ़ा मधुमेश्वर की ओर को। देखते हैं वहाँ के नज़ारे और आपको भी दिखाते हैं। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो इससे पहले आपने देखा था मैं आया था ऋषिकेश से रांची, फिर रांची के बाद हम लोग पहुँचे थे मधुमेश्वर टेम्पल, और उसके बाद आज हम जा रहे हैं बूढ़ा मधुमेश्वर और मधुमेश्वर मंदिर के टेम्पल आपको कराऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल में पहली बार देखा चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल हमको जाना है बिल्कुल टॉप पे, तो यात्रा करते हैं हम लोग अपनी आज की स्टार्ट। तो ये हो गया रास्ता यहाँ से स्टार्ट बिल्कुल मंदिर प्रांगण के सामने। सामने मंदिर है मधुमेश्वर जी का, बहुत प्राचीन मंदिर है, इसके बारे में आके बताएंगे हम आपको बाद में। फिलहाल जैसे शनिदेव जी का मंदिर है, आज शनिवार भी है, तो यहाँ पे पूजा करेंगे मस्तर के, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ऊपर की ओर को। ये रास्ता हमको करना पड़ेगा, बता रहा है रास्ता बहुत ख़राब है, ये रास्ता बना नहीं प्रॉपर वे पे, खाली मिट्टी मिट्टी का रास्ता है, तो पाँव धस जाते हैं ऐसा कुछ है। कुछ किलोमीटर की दूरी का तय करने के बाद हमको देखने को मिला ऐसा नज़ारा, तो मैं सोचता हूँ कि इतना ही यहाँ पे है तो ऊपर जाके कितना खूबसूरत रहेगा। देखो ना आप, मस्त व्यू है। ये लास्ट क्लाइंब मेरे को बचा हुआ है, वो नीचे मंदिर से ट्रैक स्टार्ट किया था, सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। पीयूष कैसा लग रहा है? पीयूष मेरे साथ चल रहा है, अनुराग बीच में है, और साइड और उसका भाई पहुंच गया ऊपर, और पिंकू भी। तो यही नज़ारा देखने के लिए हम लोग इतने दूर से आए थे। ये होता है मॉर्निंग का बेहतरीन सनराइज, आपको जो यहाँ आके जोर देखना चाहिए। पीछे वाली पीक से एकदम से सूर्य ने दर्शन दिए अचानक से, अभी तक पूरा जैसे वहाँ शैडो है वैसे शैडो थी पूरी, एकदम से इस पीक में आ गई है धूप। तो हम लोग टॉप पे ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, क्योंकि जैसे ही कहीं पहुँचते हैं तो उसका एक और टॉप दिखाई दे रहा है, तो है काफ़ी दूर, क्योंकि वो नीचे मंदिर है बहुत नीचे। देखो वो नीचे मंदिर है, क्योंकि रेस की वजह दिखाई नहीं देगा, अभी नज़ारा इस साइड को दिखाई देगा। उस साइड देखे गाय चल रही हैं, घोड़े चल रहे हैं बहुत सारे, इस साइड जो पीक्स हैं उनका नज़ारा भी कुछ बेहतरीन है। होती है लोगों की गाय, तो गायों को यहाँ बुग्याल में छोड़ दिया जाता है, तो ये यहीं चलते रहती हैं। वैसे बहुत सारे खच्चर हैं वो चल रहे हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा, नीचे धीरे फॉग आ रहा है। तो व्यू अगर लेना है तो सुबह जल्दी आना पड़ेगा, बाद में फिर से क्या होता है चोटी को फॉग घेर लेता है, ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। एट लास्ट जिस नज़ारे का हमको इंतज़ार था वो मिल चुका है, ये हम पूछे पहुँच गए पूरे बुग्याल में। वो सामने है बूढ़ा मधुमेश्वर टेम्पल, उधर पानी के 2 कुंड भी हैं, पानी भरा हुआ है उसमें, और ये चारों ओर का नज़ारा इतना खूबसूरत नज़ारा है,
तो आप देख सकते हैं कि सामने चौखंबा पीक है, जिसका नज़ारा लेने के लोग यहाँ आते हैं और देर तक इस हिमालय को निहारते हैं। तो एट लास्ट हमने दूरी तय कर ली, आपको बताता हूँ कितना किलोमीटर है, पूरा 2.5 किलोमीटर है ये मधुमेह टेम्पल से। तो देखिए खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा। तो मॉर्निंग में हम लोग गए थे चौखंबा पीक ऊपर, मतलब चौखंबा के नहीं बूढ़ा मधुसर गए थे चौखंबा पीक देखने के लिए। तो अभी वापस आया, अभी आके मैंने नहाया है यहाँ पे, नहा के बिल्कुल अब जा रहे हैं पूजा करने के लिए। पूजा 8 बजे स्टार्ट होती थी, लेकिन अभी क्या है कि हमको 8:30 बज गए, थोड़ा नीचे आए 8 बजे, हम लोग नीचे आए, तो उसके बाद नहाया, नहाने के बाद 8:30 बज गए, तो अब पूजा करते हैं मंदिर में जाके। तो यह है द्वितीय केदार मधुमहेश्वर, जो पंच केदारों में से एक है और सी लेवल से करीब 3500 मीटर इसकी हाइट पे है। जब पांडवों को अपने गुरु और अपने भाइयों का मृत्यु का दोष लग गया महाभारत युद्ध के पश्चात, तो शिव जी की पूजा करने के लिए केदारनाथ में आए थे। तो केदारनाथ में शिव जी ने भैंस का रूप धारण कर लिया, तो भीम ने उनको पीछे से पकड़ खींचा, तो उसमें क्या हुआ कि पुष्ट भाग जो निकला वो केदारनाथ निकला, वहाँ उनके पुष्ट भाग की पूजा होती है। नाभि निकली मधुमहेश्वर में, जहाँ उनकी नाभि की पूजा होती है, और हृदय निकला, हृदय और बाहें उनकी निकली तुंगनाथ में, इसलिए वहाँ उनकी उसी की पूजा होती है। और आँखें और मुंह निकला रुद्रनाथ में, तो वहाँ उसकी उनकी आँखों में मुख की पूजा होती है। कल्पेश्वर में जटाएँ निकले, जटाओं की पूजा होती है। और पशुपतिनाथ में मुँह निकला, तो उनकी वहाँ पशुपति मुख की पूजा होती है। तो ये पांडव द्वारा स्थापित मंदिर हैं पंच केदार, जो शिव जी के बने हुए हैं, बहुत पुराने टाइम के, मतलब द्वापर युग के बने हुए ये मंदिर हैं। तो आप यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कॉटेज वगैरह, होटल वगैरह हैं, और लाइट की सुविधा भी है, आपका मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा, रात के टाइम में लाइट रहती है। तो ऐसा कुछ यहाँ का है नज़ारा। तो मोस्टली 300 रुपीज पर बेड, 200 रुपये खाना, यानी 500 रुपये एक रात का आपको यहाँ आके
खर्च करना पड़ेगा। और यहाँ से जो दूरी है, देखिए अक्तोली धार जो 14.5 किलोमीटर है, गौन धार 10.3 किलोमीटर, जो बेस कैंप है जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, तो 10 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के आप यहाँ पहुँचेंगे। तो ये ऐसा नज़ारा है, देखिए बहुत सारे कॉटेज हैं, ऊपर है मधमेश्वर, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है ब्रह्म कमल, जो पंडित जी ने मेरे को मतलब प्रसाद के तौर पर दिया है आफ्टर पूजा होने के बाद। तो हम लोग गए थे मंदिर में, तो उसमें पूजा वूजा करी और अभी आ गए। तो ये था ब्लॉग बूढ़ा मधमेश्वर और मधमेश्वर का, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पूरी दे दी है। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आधी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।